हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आज और कल जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली आ गया था गांव से, तो व्लॉग नहीं बना पाया, बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो मैं पिछली बार जिनके नहीं पढ़ पाया था तो उनके पढ़ देता हूँ। एक दो के रिपीट भी होंगे क्योंकि वो इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि रहा ही नहीं जाता उनके बिना पढ़े। तो पहला कमेंट है @प्रीत कौर का, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फैमिली भी जरूरी है और फैमिली की अच्छी केयर के लिए मनी भी। गॉड ब्लेस यू ब्रो। तो थैंक यू सो मच प्रीत कौर जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। वैसे मैंने कुछ खोया नहीं है, फैमिली है, बस फैमिली से थोड़ा दूर हूँ और ज्यादा दूर भी नहीं हूँ, बस 1 घंटे की दूरी पे हूँ। जब भी मन करेगा मम्मी पापा से मिलने का, 1 घंटे की दूरी तय करके उनके पास चला जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच प्रीत कौर जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है @चित्रा स्वामी जी का, जय श्री कृष्णा आंटी जी और भाई, आपकी कैट बहुत प्यारी है, मेरे पास भी एक कैट है। जय श्री कृष्णा चित्रा स्वामी जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए और थैंक यू सो मच प्यारी कैट की तरफ से भी। और वो मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक था, जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसको डॉगीज पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और जो छोटी सिस्टर है उसको मतलब बिल्ली पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। और बिल्ली भी एक दो नहीं, उसने इतनी बिल्लियाँ पाली हैं, इतनी केयर करती हैं मतलब अपनी भूल के उनकी ज़्यादा केयर करती हैं। इन्हीं लोगों की दुआएं हैं और इतना प्यार है, ये बेचारे जो है कुछ बोल नहीं सकते, और इनकी अगर इतनी केयर और इतना प्यार करो तो इनकी दुआएं लगती हैं और आज वो इनकी वजह से इतना खुश हैं और अच्छी हैं, तंदुरुस्त हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास भी कैट है। @मेघना शर्मा का बहुत लंबा कमेंट है, पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, पूरा आप पढ़ लो। हाय अनुज, आपका व्लॉग लेट आया, लग ही रहा था कि काम में फंसे हुए होंगे आप। ये बिल्कुल सच बात है कि मैं काम में फंसा हुआ था 2 दिन से, इसलिए मैं व्लॉग प्रॉपरली नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ऐसी सेटलमेंट सही हो जाता तो मैं व्लॉग प्रॉपर बना के आपको शेयर करूंगा। वो जो बचपन की फोटोज आपने दिखाई वो आप ही हो, एंड फैमिली पिक्चर में आप अपनी मम्मी की जी की गोद में हो सेम रेड ड्रेस में। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो रेड ड्रेस में हूँ सेम, जो मैंने एक सिंगल फोटो दिखाई थी वो भी मैं हूँ, और जो मम्मी की गोद में हूँ सेम ड्रेस में मैं वो ही। और आप गाँव से दिल्ली आ गए, अच्छा नहीं लगा आंटी जी अंकल जी फिर अकेले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेले नहीं हुए हैं। और बस ये है कि देखो काम तो करना ही पड़ता है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि काम के लिए ही तो ही जाना पड़ता है, ये बिल्कुल सच बात है कि काम के लिए ही जाना पड़ता है। और मैं काम के लिए आया हुआ हूँ, इतना दूर नहीं हूँ, तो जब मन करेगा वापस से मिलूंगा और आपको भी मिलवाऊंगा। सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है नीलम चौधरी का, दिल्ली जाओ चंडीगढ़ जाओ बट मलिक फैमिली के पास मत जाना, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सिटी में ही रहकर काम होते हैं, आते जाते रहना बस विलेज। तो नीलम चौधरी जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली के पास मत जाओ, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ये वो फलान निकल, ऐसा कुछ नहीं है। मलिक फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी पता है कि मेरे मम्मी पापा गांव में अकेले हैं, रजामंदी उनसे बताकर ही मैंने ये बोला था कि मेरे मम्मी पापा अकेले, मैं उनके पास रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके पास जाओ सेल्फ रेस्पेक्ट कम होगी, ये होगी वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पूरी नहीं है कि देखो सारी ही बातें बिल्कुल एकदम क्लियर करी जाए या कुछ भी ऐसा किया जाए, तो वो बिल्कुल भी अपने माइंड में मत डालो। आई होप आप समझदार हो, समझ गए होंगे इन चीज़ों को, चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्फ रेस्पेक्ट कम होगी ये होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है मेरी मजबूरी क्या है और मैं घर पर क्यों हूँ। और थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा कमेंट है, लेकिन बस वही है कि आपके समझने में थोड़ी सी दिख है, समझ ही गए होंगे जो मैंने बताया। नेक्स्ट कमेंट है यूनिवर्स का, थैंक्स अनुज आपने मेरा कमेंट को रीड किया और अप्लाई किया बेडशीट फ्लावर। आप कमेंट करते हो इतने प्यार से, कंटेंट देख के और उसमें जो चीज़ें होती है इम्प्रूवमेंट होती है वो बताते हो, तो अर्ज बनता है कि हम आपकी बात आप माने और उस चीज़ को ठीक करें। वीडियोज इतनी सारी बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है और आप बताते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स जी। नेक्स्ट कमेंट है @राजेंद्र कौर का, फोटो में अनुज भाई हैं और कौन हो सकता है इतनी प्यारी स्माइल वाला। थैंक यू सो मच राजेंद्र कौर जी, इतना प्यारा कमेंट किया और मेरी स्माइल को प्यारा बताया, और मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम हूँ, मैं शर्मा गया हूँ, मेरी स्माइल इतनी प्यारी है। थैंक यू सो मच राजेंद्र कौर जी, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है गौरव शर्मा जी का, जल्दी जल्दी कमेंट्स कर देता हूँ, ज़्यादा लाइक मिलेंगे। तो भाई देखो आपको लाइक लोग तो करेंगे, खैर आपने कमेंट किया इतना प्यारा, लेकिन भाई मेरी तरफ से तो आपको बहुत ज़्यादा 100 लाइक है। और गौरव शर्मा जी थैंक यू सो मच, आप बहुत सारे कमेंट करते हैं मेरे वीडियोज़ पे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कमेंट करते रहिए प्यारे प्यारे। नेक्स्ट कमेंट है @अमनदीप कौर का, काम आप कहीं भी करो
पर गांव में आते रहना और मम्मी पापा को व्लॉग में दिखाते रहना, और जो लाल टोपी और लाल बॉल हाथ में पकड़ी है वो आप हो भाई। बिल्ली का घर में आना शुभ होता है, आप अपना ध्यान रखना भाई। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच अमनदीप कौर जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि काम कहीं पे भी करूं मम्मी पापा के, और ये बहुत ही ये भी सोच के मैंने उनके पास में ही काम किया है। तो दिल्ली हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.25 घंटे में मैं आ जा सकता हूँ, मतलब जा सकता हूँ, और 2 घंटे में आना जाना हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बिल्ली का घर में आना शुभ होता है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वैसे बिल्ली और डॉगीज हमारे गांव में इतने हैं कि हमारे गांव में हमारे घर में आ ही जाते हैं। तो हमारे घर में खाली बिल्ली नहीं, सांप, गिरगिट, टिड्डे, मेंढक, पूरा ये लगा लो कि अगर मैं टिकट रख दूँ ना 10-10 रुपये का तो पूरा चिड़ियाघर बना रखा है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब गांव की शान है, रौनक है उनसे, और गांव में बहुत अच्छा लगता है। चीज़ें ना हो ना तो फिर फायदा क्या है, गांव और शहर एक से ही हो जाएंगे। तो डर तो लगता है देखने में, लेकिन वो चीज़ें जब हम वीडियोस में देखते हैं या वैसे देखते हैं तो हमें अच्छी भी लगती है कि यार गांव में, मैंने तो सांप भी और ये बहुत सारे देखे हमारे घर में, खुद घर में, मतलब अब तो खैर अब जैसे कि घर में सब प्लास्टर वगैरह हो गया, जब पुराने टाइम में घर वैसे होते थे ईंट वगैरह के, खाली उनमें सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो ये लगा लो कि उसमें सांप भी हो जाते थे हमारी रसोई में, इनमें खूब सांप मैंने देखे हैं निकलते हुए। तो थैंक यू सो मच अमनदीप कौर जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और आपने इतने सारे जो हार्ट भेजे हैं ना, ओहो ये मैंने ऐसे पकड़ लिए हैं, इनको पहले मैं रख के आता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच इतने सारे हार्ट भेजने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है मुनबी वोरा का, काम भी ज़रूरी है, माँ पापा को खुश रख पाओ, और फोटो में लाल ड्रेस में बिल्कुल तुम लाल टमाटो लग रहे हो। थैंक यू सो मच मुनबी वोरा जी, और लाल टमाटर लग रहा हूँ मैं, ये आपने तारीफ की है मेरी, मुझे अच्छा लगा। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे भी हो रहे हैं, तो थैंक यू सो मच मुझे इतना एक्सपेंसिव बताने के लिए, और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, मैं जितना हो सकेगा आपका रिप्लाई कर पाऊँगा। नेक्स्ट कमेंट है @ प्रिया यादव जी का। प्रिया यादव जी बोल रही हैं, भैया क्यों जा रहे हो घर से दूर? तो सिस्टर मैं आपको बता दूं, मैं घर से इसलिए दूर जा रहा हूं क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मम्मी पापा के पास भी मैं वीडियो बनाऊंगा वीकली जा के, और मम्मी पापा को आपको दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है। और बस मैं काम के सिलसिले में ही दिल्ली मेरा आना जाना लगा रहेगा, है ना, साथ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं घर के व्लॉग नहीं बना रहा तो आप नहीं देखोगे, तो मैं जो जो मेरी लाइफ में जो जो स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा मेरे जीवन का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप बताना कि मैंने कितनी मेहनत की है और मैं किस स्तर पे पहुंच रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, तो आप बताना। वैसे मैं काम के सिलसिले में दिल्ली आया हूँ, तो थैंक यू सो मच प्रिया यादव जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है @ संगीता शर्मा का। अनुज भैया आप बिल्कुल सिंपल हो, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच संगीता जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और दूसरी बात है, सिंपल मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब है ना, वो बिल्कुल सादगी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो बस ये लगा लो कि उन्हीं की जो चीज़ें हैं ना, वही छवि मेरे अंदर है, मेरी मम्मी पापा की, मेरे भाई बहनों के अंदर भी है, तो मैं सिंपल ही रहता हूँ। बहुत से बोलते हैं कि लुक चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ऐसे मॉडिफाई करके बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, सादगी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं सिंपल रहना पसंद करता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को पसंद करते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए संगीता शर्मा जी। नेक्स्ट कमेंट है @ सुनीता कुमारी का। भैया आपने यह बोला ना कि किसी के जामुन गिर गए हैं, फिर आपने बोला बकरी की जामुन बहुत सारी ऐसे बकरी की जामुन बहुत सारी हंसी आई। आपने यह बोला ना भैया गांव का जीवन बहुत सारा अच्छा होता है, भैया आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच सुनीता कुमारी जी। वो जामुन, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी आदत है कॉमेडी करने की, और मैं और मेरा भाई बबलू हम जा रहे थे खेतों में ऐसे टहलने, तो वो रस्ते में पड़ी है, वैसे पहले भी हमें बहुत दिखती थी, लेकिन तब तो व्लॉग के जरिए मैं आप लोगों से ऐसी कॉमेडी नहीं कर सकता था, तो वो मुझे दिखी, तो मैंने बबलू से बोला कि मैंने कह रही जामुन पड़ी है किसी की, तो उसने बोला नहीं भाई ये जामुन नहीं है, मैंने कहा ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको पता है ना मेरे उस किरदार का, अभी तो मैं कॉमेडी अभी मैंने अपनी शुरू नहीं की होती, जैसे जैसे मैं शुरू करूँगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। और गांव का जीवन बाकी में बहुत अच्छा होता है, अब जब हम छोटे छोटे थे छुट्टियों में आते थे गाँव में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अब ये लगा लो कि बस जैसे जैसे बड़े हो गए तो शहरों में जाके काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच सुनीता कुमारी जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है हमेशा की तरह
अस्थाना करीमी जी का। सलाम माई डियर ब्रदर अनुज जी, यू हैव ए ब्यूटीफुल विलेज जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा कमेंट कर रही हैं आप टाइम निकाल के अस्थाना जी। और आपने मुझे भाई बोल दिया, तो जी बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अनुज बोलो। तो भाई सुन के ही मुझे इतना अच्छा लगता है। अनुज जी मेरे ऐसे मत बोलो, मैं भाई हूँ। और यू लुक वेरी हैप्पी, बिल्कुल सही बात है, मैं सच में हैप्पी हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, मैं हैप्पी हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग बेटर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ब्यूटिफुल फैमिली, मच लव फ्रॉम अमेरिका। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए पस्ताना करीमी जी। और आप लोग इतना, आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बस ये उसी की मेहरबानी है जो मैं कर पाता हूँ ये ब्लॉग वगैरह सब। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहिए, ऐसे प्यार करके कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है मधुबाला जी का, आपको ऐसे देख के अच्छा लगता है और आप जो अपने विलेज को एक्सप्लोर करते हो वो भी, और सबसे अच्छा ये है कि आप गांव की वैल्यू बताते हैं, आपकी मम्मी भी बहुत अच्छे लगते हैं और वो अब ज़्यादा हैप्पी है शायद, तो अच्छा लगता है। तो मधुबाला जी ये बहुत अच्छी बात है, और गाँव जो है ना उसकी वैल्यू बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सामने ही दिखती है। गाँव सच में बहुत अच्छा होता है, वहाँ की हवा इतनी ताज़ी होती है, वहाँ की सब्जियाँ, जो मैं लौकी वगैरह आपको दिखाता था, मेरे घर के बराबर में खेत हैं उनमें होती है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ी हवा, और वहाँ के जो एकदम इतना अच्छा माहौल रहता है, सब इतने अच्छे से प्यार से बातें करना, किसी का एक दूसरे से बैर नहीं है, किसी को एक दूसरे से मतलब कोई एक किसी की दिक्कत होती है तो पूरा गांव एकदम से उसकी मतलब मुसीबत में शामिल हो जाता है, उसकी मुसीबत को हल करने की सोचता है। तो गांव सच में बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोग भी गांव से जुड़े हैं तो आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए मधुबाला जी। नेक्स्ट कमेंट है रेणुका पवार, रेणुका पवार सिंगर है क्या? बावन गज का दामन पहर, नहीं रेणु पवार, अच्छा रेणु पवार। तो रेणु पवार जी ने कहा, हेलो भैया आपको देखकर मुझे अपने मामा के बेटे की याद आती है, उनका नाम भी अनुज ही है। अरे वाह, सेम आपकी तरह ही लगते हैं और बोलते भी ऐसे हैं, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है और आपकी किसी की चीज़ में भी शर्माते नहीं है बताते हुए, जैसे हर चीज़ें गांव की, वरना बहुत से लोग बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, ये सिंपलिसिटी अच्छी लगती है आपकी। भगवान जी आपको बहुत सारी सक्सेस दे, बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक यू सो मच रेणु पवार जी। और दूसरी बात है कि देखो शर्माना किस चीज़ का है, आधे से ज़्यादा लोग ये लगा लो कि गांव से ही निकलकर आज ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, और अगर वो अपने अपने मतलब उस नींव को, बुनियाद को, अपने अतीत को ही अगर वो बताने में शर्माएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है उस कामयाबी का, ठीक है? तो बिल्कुल गलत बात है, अगर कोई शर्माता है उस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। और दूसरी बात यह है कि एटीट्यूड किस बात का, एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए भाई किसी चीज़ को, शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे तभी आप लोगों से जुड़ पाओगे। तो थैंक यू सो मच रेणु पवार जी, आपका इतना प्यारा कमेंट है, सच में बहुत अच्छा कमेंट है, थैंक यू सो मच, ऐसे कमेंट करते रहिए प्यारे प्यारे। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सुमावी 846 का, अनुज भाई मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, आपने मेरे कमेंट नहीं पढ़ा, मैं कानपुर से हूँ, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, वाहेगुरु लंबी उम्र करो, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखिए। थैंक यू सो मच मिस्टर मिस्टर स्वामी जी। और मैं इतने सारे कमेंट जो पढ़ता हूँ ना, जो रह जाते हैं फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ब्लॉग के पढ़ता हूँ, जो रह जाते हैं मैं दो तीन ब्लॉग के कमेंट पढ़ता हूँ निकाल के। और सॉरी जो आपका पिछली बार रह गया होगा तो मैंने आपकी बार पढ़ा, और बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका, थैंक यू सो मच, आप ब्लॉग देखते हैं और कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है सैली मित्तल का, रियल आपकी मम्मी बहुत प्यारी हैं भैया, बहुत सुंदर वीडियो बनाते हो आप भैया, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप खूब तरक्की करो भैया, प्लीज़ प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना कल आपने व्लॉग में, प्लीज़। तो पढ़ लिया मैंने, प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जैसे ही दिखता है कमेंट में मैं पढ़ देता हूँ। और सैली मित्तल जी थैंक यू सो मच दुआ करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मैं क्या ही कहूँ, धन्यवाद कहना भी कम है, तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यारा कमेंट करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है वीरेश कुमार जी का, भाई मैं किसी को कमेंट नहीं करती बट आपने मजबूर कर दिया, आपकी मम्मा बहुत प्यारी है और आपकी फैमिली खुश रहे, आई लव योर फैमिली, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है गांव, श्वेता फ्रॉम आगरा। तो श्वेता जी थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कमेंट किया टाइम निकाल के, ये बहुत बड़ी बात होती है सच में, किसी की वीडियो देखना पूरी, फिर उसको समझना और फिर उसके बारे में कमेंट करना, इतना समय अगर आप मेरे लिए निकाल रहे हैं तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद है आपका श्वेता जी, थैंक यू सो मच। मुझे ताजमहल बहुत पसंद है वहाँ का, मेरी तरफ से तुम भी देख लेना ताजमहल, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप देख के आना, कमेंट करना कि मैंने ताजमहल देखा है, तो मुझे अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट कमेंट है यो 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 गर्ल का, कच्चे चावल एंड पानी रखो चिड़िया के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे उठने से पहले, मैंने बताया था मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठती है, और उस 4 बजे उठ के जो उनका रूटीन है डेली का, वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी को नहलाना धुलाना, ऊपर जो है कबूतर, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठता था, तो कबूतर को दाना वगैरह डालना, वो सारा सुबह करना। और मैं आपको अभी गांव में जाऊंगा दोबारा, मैं दिखाऊंगा, एक बहुत पुरानी टोकरी है हमारे घर में जो कबूतर चिड़िया सबके लिए बनी हुई है, उसमें हम दाना वगैरह सब रखते हैं, तो उसमें पक्षी आते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया, मैं दिखाऊंगा आपकी बार जब जाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं रखते हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ कि पानी और कच्चे चावल वगैरह आप रख सकते हो, ये बेचारे जीव होते हैं, आप लोग जो कुछ डाल दें तो वो खा लेते हैं, क्योंकि वो परतंत्र जीव होते हैं, तो वो हम लोगों पे डिपेंड होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कीजिए, बहुत आपको दुआ मिलेगी, प्यार मिलेगी। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है शोभा गुप्ता जी का, ये हमेशा कमेंट करती हैं मुझे पता है, तो मैं कई बार जैसे रिप्लाई नहीं दे पाता तो मैं बोल देता हूँ, हेलो भाई कैसे हो आप, मैं आपका ब्लॉग रोज़ देखती हूँ बट कल नहीं देखा देख सकी क्योंकि मैं भी अपने गांव मामा जी के पास गई थी, गांव में आपके गांव में देख के खेतों में मेरा भी दिल किया, इसलिए मैं भी अपने मामा के घर गई। आज आकर पहले मैंने आपका कल का व्लॉग, कल और आज का दोनों व्लॉग देखे, बहुत अच्छा लगा, आपको व्लॉग अच्छा होता है, गॉड जी आपको बहुत कामयाबी दे, तरक्की दे, जल्दी से 1 लाख हो जाए, हमेशा खुश रहो, और मम्मी पापा भी दिल से दुआएं। थैंक यू सो मच इतना बड़ा और प्यारा कमेंट करने के लिए शोभा गुप्ता जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरा व्लॉग देख के अपने गांव में गए और इस बहाने आपने गांव में घूमा, और आपको आई होप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि गांव में घूम के, आप ऐसे जाते रहिए, गांव में जाओगे तो दिल खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच शोभा गुप्ता जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। आज के लिए इतने कमेंट है जो मैं पढ़ पाया हूँ, जो कमेंट रह गए होंगे तो बिल्कुल भी प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा। और आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द जो है अपने चैनल पे कॉमेडी वीडियोस और प्रैंक वीडियोस मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को कॉमेडी वीडियोस मेरी और प्रैंक वीडियोस देखनी है। और आप पीछे मेरे चैनल में पिछले जा सकते हैं और यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी तरीके की मतलब कॉमेडी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, तो आप बताना उनमें से कौन सी वीडियो ऐसी है उन सारी वीडियो में से जो आपको चाहिए दोबारा, तो मैं वही वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो बस आज के लिए इजाज़त दीजिए, विदा चाहता हूँ, जिस जिसके कमेंट नहीं पढ़ पाया उसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा, और तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ऐसे प्यार देते रहो, जितने प्यार प्यार आप कमेंट करते हो ऐसे प्यार प्यार कमेंट करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।